बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री विद अ फोकस ऑन फार्मर्स लैंड्स इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलोंग द रिवर गंगा एट द फर्स्ट स्टेज। कोरोना महामारी के दौरान सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कृषि सेक्टर के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बजट में सरकार ने कृषि मंत्रालय की कुछ स्कीम्स का बजट बढ़ाने के साथ ही कई मौजूदा स्कीम्स के बजट में कटौती भी की है। जानकारों का मानना है कि कृषि सेक्टर के क्षमता के मुताबिक बजट में जो उसे हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। किसानों के लिए कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए हैं, सिर्फ लीपापोती और दिखावे वाला कुछ प्रावधान किए गए हैं। देखिए, किसान पूरा परिवार लगकर मेहनत करता है तब भी वो अपना गुजारा ही मुश्किल से कर पाता है। प्रधानमंत्री जी ने कई साल से लगातार ये आश्वासन दिए थे कि किसानों की आय को डबल किया जाएगा, लेकिन किसान की जो लागत है सरकार ने अपने हिसाब से कैलकुलेट की। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि किन योजनाओं के आवंटन में इस बजट में कटौती की गई है या मामूली इजाफा हुआ है। पीएम किसान के एलोकेशन में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि 2021-22 के 67,500 करोड़ रुपए से महज 0.74% है। फसल बीमा योजना का बजट घटाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवंटन कुछ इस तरह है। 2022-23 के लिए 15,500 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि 2021-22 के 15,989.39 करोड़ रुपए से कम है। इसी तरह बाजार इंटरवेंशन स्कीम और प्राइस सपोर्ट स्कीम का आवंटन 2022-23 में घटाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये 2021-22 के 3,595.61 करोड़ रुपए के मुकाबले 50% से ज्यादा कटौती है। कृषि सिंचाई योजना का बजट आधा किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बजट 2022-23 में आधा करके 2,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस योजना के लिए 2021-22 में 4,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। ऐसे में खेती को हाईटेक बनाने पर जोर दे रही सरकार की मंशा इस कटौती की वजह से साफ नहीं हो पा रही है। ऐसे प्रावधानों की उम्मीद थी कि कुछ प्रावधान ऐसे किए जाएंगे जिससे किसान को कुछ राहत मिल सके, लेकिन दूरगामी योजनाएं बनाई गई हैं कि किसान को लिटरेट किया जाएगा, गाँव में इलेक्ट्रॉनिककरण किया जाएगा, वो सब ठीक है, समय के साथ साथ उनका लाभ मिलेगा, लेकिन आज किसान को जो आवश्यकता है फौरी राहत की, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब देखना यही है कि स्टार्टअप को फंड मुहैया कराने की अकेली योजना से खेती को तकनीक के लिहाज से कितना बूस्ट मिलेगा। अगर ये योजना सफल रही तो कृषि सेक्टर की कायापलट होने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।